क्या बोलूँ, अच्छा आ रही आवाज़ ठीक है। जैसे बाहर बादल गरज रहे हैं, ये आवाज़ बहुत मज़ेदार है। एंड यू नो कि जब बारिश होती है तो ये मेरा लकी चार्म है। रनिंग साउंड, रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। तो कैसे हो आप लोग, एंजॉय कर रहे हो घर पे और खूब सारी फिल्में देख रहे हो इंटरनेट पे? मुझे सब पता है, सब वेट कर रहे हैं कब नई वेब सीरीज आएगी, कब नया शो आएगा और हम क्या नया देखें। तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग इन दिनों देख क्या रहे हो। तो कुछ हम पिछले एपिसोड के बारे में भी बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, मोर देन 100 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को हमने आंसर किया और हमारी टीम ने इंकरेजमेंट्स निकाली हैं पिछले एपिसोड से, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। गुरप्रीत कौर जी से, गुड क्यू एन ए सेशन, लव योर फिल्म्स एंड यू आर अमेजिंग सर, थैंक यू। तो ये लिखा है रंजीत पन्नू जी ने, हाय सर, आई एम वर्किंग विद मेनी डायरेक्टर्स, एवरी डायरेक्टर हैज़ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल। आई थिंक आफ्टर वर्किंग विद यू दैट योर प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, पैकेज प्लानिंग एंड योर माइंड सेट, कम्फर्टनेस ऑन द सेट इज वेरी स्मूथ, your innovative taking narration is very cool, I love to work with you, thank you sir for making me part of your projects, thank you pannu ji। अच्छे कलाकारों के साथ काम करके मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। foodie अंबर सरिया, very healthy Q&A session, keep bringing on such sessions going forward as well। मेरा तो मन करता है कि मैं की मन करता है। देखो foodie अंबर सरिया ने Q&A sessions को healthy लिखा है। वैसे अमृतसरी फूड खा के आपको हेल्थ के बारे में क्या लगता है, हेल्दी होता है या टेस्टी होता है या दोनों होते हैं, मुझे बताओ कमेंट्स करके। फाल्गुनी गोयल, ऑलवेज एन एडमायरर ऑफ योर गुड वर्क, अमेजिंग सेशन एंड वुड लव टू सी योर फ्यूचर फिल्म। राइट, सो लास्ट एपिसोड में हमने क्वेश्चन में पूछा था कि आप फीचर फिल्म देखना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट करके बताएं। दिस इज द फर्स्ट कमेंट दैट केम, वन ऑफ द कमेंट्स। यस, थोड़ा हट के घबरू ने लिखा है, वी आर रेडी फॉर फीचर फिल्म सर, तो तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे तैयारी चल रही है, बताएंगे आपको बड़ी जल्द। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो जब हमने पिछला एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ था हमारा, तो उसके बाद मुझे कॉल आया। वो कॉल आया मुझे शिव कुमार शर्मा जी का, जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यूटी में है। उन्होंने खासकर मुझे एक बड़ा अच्छा एक एडवाइस दी, जो कि वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुँच सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम इंग्लिश के अलावा बाकी भाषाओं में भी देखते हैं। तो देखा, मैं लैंग्वेज से भाषा में आ गया। तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम हिंदी ऑडियंस और जितनी बाकी की ऑडियंस हैं जो भारी तादाद में हमारा प्रोग्राम जो देखती हैं, उन तक हम पहुंच सकें। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आता है गुरप्रीत सरवारा से, हेलो सर, आपने बहुत सारी फिल्म्स की हैं, एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, बट बॉलीवुड में क्या कभी आपको भी लगा कि आजकल फिल्मों में टैलेंट की बजाय बस फेस वैल्यू को इम्पोर्टेंस दी जाती है? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? देखो यार, इम्पोर्टेंस फेस वैल्यू की हमेशा रही है, कि कौन दर्शकों को पुल कर सकता है सिनेमाघरों में, क्योंकि सिनेमाघर ही पहली जगह है जहाँ फिल्म रिलीज की जाती हैं, और उसके बाद टेलीविज़न में भी, आप कहीं भी देखें। तो वो एक ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं है, पर मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये ट्रेंड बदल रहा है कि अच्छे कलाकारों को, जो कि शायद सिंगर्स नहीं हैं, एक्टर्स को भी अब चांस मिलना शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स प्रोड्यूसर्स अपनी सेफ्टी पे बैंक करते हैं, काफ़ी हद तक सही है, पर अब ये ट्रेंड बदल रहा है। और आने वाले आप फिल्मों में देखोगे, या आप हमारे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखोगे, उसमें आपको शायद नॉन सिंगर्स ही आपको एक्टर्स देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है गुरप्रीत वड़ैच का, आजकल वेब सीरीज़ का काफ़ी ट्रेंड है,
कुछ ऐसा आपने सोचा हो इन फ्यूचर के लिए? बिल्कुल, आपको क्या लगता है हम अगली वेब सीरीज किस टॉपिक पे बना रहे हैं? थोड़ा सा हिंट दो ना कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल गुरप्रीत, हमारी प्लानिंग ऑन है, रादर एक वेब सीरीज लिख भी चुके हैं। बस वही है, कलाकार लें, जुड़ें, एक अच्छा एक टीम बनेगी और उसके बाद वो वेब सीरीज ऑन फ्लोर जाने की पूरी संभावना है बहुत जल्द। अगला क्वेश्चन आता है गुरप्रीत सरवारा से। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द सीन मेकिंग, योर वे ऑफ शोइंग थिंग्स इज सुपर्ब, आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न अबाउट दिस। आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग सीन मेकिंग में आपको ऑब्जर्व करना चाहिए सेट पे सीन क्रिएट कैसा हो रहा है इफ़ यू हैपन टू बी ऑन द सेट। सेकेंडली, अगर आपको कोई स्क्रीन प्ले या डायलॉग कॉपी रीड करने को मिलती है, आप उसे देखो और रीड करने पे इंटरप्रेट करो कि वो सीन बिल्डिंग कैसे की गई है, क्योंकि सीन मेकिंग और सीन बिल्डिंग बहुत एक क्रिएटिव प्रोसेस है, राइट? तो उसमें हर आदमी सेट पे इम्प्रोवाइज भी करता है और कुछ वो प्री प्लान्ड वे में भी उसको परस्यू करते हैं। थर्डली, मतलब पढ़ते रहो एंड गेट क्रिएटिव अबाउट इट, मेरा ये बेस्ट एडवाइस है। एंड बाकी काम करके जो आपको अनुभव होगा वो आपको अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगला है गुरप्रीत वड़ैच। यस वी आर रेडी पाजी, एंड यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी यू एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन विद अस। यार, मेरी एक्टिंग के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपको लगता है मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या मुझे डायरेक्ट ही करनी चाहिए फिल्म्स, या मुझे फिल्म्स लिखनी चाहिए? आप मुझे बताओ कमेंट्स करके। कुछ लोग तो पंप पूरा दे रहे हैं कि भाई आपको ऑन स्क्रीन आना चाहिए। वैसे मैं ऑन स्क्रीन आता हूँ आप लोगों की जवाब देने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर सकते हो। अगेन गुरप्रीत वड़ैच से, यार कुछ लोगों ने ना डबल क्वेश्चन भेजे हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेजे हैं। #askojasprit, एनी प्रोजेक्ट ऑन अवतार सिंह पाश? वाओ यार, आई वुड लव टू। जो चैप्टर्स अच्छे राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स और सिंगर्स के ऊपर हों, जिन्होंने कल्चर और पुराने टाइम में पंजाब के बारे में बहुत जिनका कंट्रीब्यूशन रहा हो, पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी पोएट्री, पंजाबी म्यूजिक पे, सिनेमा में, मेरा उन पे खासी दिलचस्पी है। लेकिन चक्कर ये है कि इनके राइट्स लेने के चक्कर में ना हमारा बहुत टाइम निकल जाता है कि किसी की बुक कहीं पब्लिश है, किसी का कुछ कहीं है, किसी का म्यूज़िक कहीं है। तो कंपनी जब तक राइट्स को थोड़ा सा कंक्रीट नहीं कर पाएंगी ना, तब तक एज प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ना हम इन प्रोजेक्ट्स को पिक नहीं कर पाते, क्योंकि राइट्स लेने के लिए पहले फैमिली के पास जाओ, फिर कहीं जाओ, तो वो बहुत चैलेंज हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा फिक्शन ज़्यादा बनाएं, बट डेफिनेटली अगर हमें ऐसे उनका लोगों की जीवन पे बनाने का मौका मिले तो आई थिंक इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू मेक अ फिल्म। आई थिंक आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या हमें इस अवतार सिंह पास जी पे फिल्म बनानी चाहिए कि नहीं, मतलब आई रियली वुड बी इंटरेस्टेड। सो योगिता हैज आस्क्ड, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू फेस द स्ट्रगल व्हाइल फॉलोइंग योर पैशन? सो ऐसा है कि आई एम मोटिवेटेड बिकॉज आई थिंक दिस इज माई प्लान ए ऑफ लाइफ, देर इज़ नो अदर थिंग। आई थिंक आई थॉट अबाउट मेकिंग फिल्म्स, आई ड्रीम्ड अबाउट मेकिंग फिल्म्स, आई परस्यूड इन मेकिंग फिल्म्स, आई लर्न फिल्म मेकिंग, एंड आई एंडेड अप मेकिंग फिल्म्स, एंड नॉट जस्ट वन फिल्म, एन नंबर ऑफ फिल्म्स, एन नंबर ऑफ शोज, एन नंबर ऑफ इवेंट्स, एन नंबर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। तो मुझे आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग आई थॉट आई वुड डू, एंड सिंस देर वॉज नो अदर वे एंड देर इज नो प्लान बी, सो आई थिंक आई चैनलाइज माई 100% एनर्जी इन टू डूइंग दिस, फाउंड द राइट सेट ऑफ पीपल, बिल्ट अ गुड टीम, एंड देन आई थिंक थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन फेवर। सो आई फील बिलीव इन योर सेल्फ, और उसके बाद आपको जो भी चीज़ आप करना चाहते हो लाइफ में, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। हर चीज़ का प्लान बी ना बनाए। आई थिंक मोटिवेशन इसलिए रही है, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो ये है कि आई ओनली हैड प्लान ए एंड दिस इज वॉट आई एम टू डू एंड दिस इज वॉट आई वेंट अहेड एंड डिड। आई डिडंट थिंक इफ एल्स और बट, क्या होगा कैसे होगा। When I walked on the path, I found the right people, I assessed the right people, I built a team and we worked ahead. We worked through our share of failures and everything, but still, failure se hi seek seek ke, we made it to a level of success, if not totally successful. So I hope this answers your question. So whatever you're planning to do, I think you should plan it and just go ahead and do it and meet the right set of people who will help you do that. So I wish you the best. सो नेक्स्ट है इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें, तो क्वेश्चंस हैं राणा राजेंद्र 57 से आया है। राम राम जी, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बट एक्टिंग इज माय पैशन, क्या आप ऑडिशन बेसिस पे आपको एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? बिल्कुल, और आपकी पढ़ाई, आपका बैकग्राउंड से आपके एक्टिंग का कोई रिलेशन नहीं है। आप कुछ भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और अगर आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट है और आप ऑडिशंस क्रैक कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन।
इन्होंने एक और चीज़ पूछी कि क्या आप फ्रेशर्स को चांस देते हो। जी हाँ 100% देता हूँ। अगला क्वेश्चन आया है वीर 9797 से। सर यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज, सर आर यू गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू बिगिनर फिल्म मेकर्स? यस वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू बिगिनर फिल्म मेकर्स। अगर आपको आपके पास कुछ फिल्म्स हैं जो आप रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे रिलीज़ करना चाहते हो तो आप वो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहाँ फिल्म्स अपनी भेज सकते हो, सो आपका कंटेंट यहाँ पब्लिश हो सकता है। सेकेंडली आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन आर टीम। अगर आप में वो स्किल्स हैं और आप वो स्किल्स हमें दिखा सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आर टीम और आप इस टीम का हिस्सा बन के आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास अच्छे सब्जेक्ट्स हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दी हुई हैं आप वहाँ पर लिख दीजिए और आपको टीम से रिवर्ट आएगा। इफ़ यू फाइंड कि आपका सब्जेक्ट अच्छा लगा, चैनल के गोल्स को अलाइन करता है, तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट को हम पावर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है प्रीति तारा सुहाग से। आपके पास आइडिया कहाँ से आते हैं मूवीज़ के लिए? सो मुझे आइडियाज़ आते हैं, ज़्यादातर मुझे रियल लाइफ स्टोरीज़ इंस्पायर करती हैं, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, मेरे आसपास मुझे देखता है, ऑब्जर्वेशन से मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पता लगता है, तो वही मुझे इंस्पायर करती हैं। अगर मुझे उनकी लाइफ जर्नी में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं उस स्टोरी को पिक करता हूँ। ज़्यादातर फिल्में मेरी ह्यूमन स्टोरीज़ रही हैं, इंसान के जो भी अनुभव हैं उनसे जुड़ी हुई। अगला सवाल आता है के डॉट थुग्गा से, वेन कैन वी वर्क टुगेदर? वेल आई वुड से इन आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज अभी हमारी टीम एक्सपैंड कर रही है और हम नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शोकेस योर वर्क एंड जॉइन आर टीम इफ़ यू फाइंड इट गुड इनफ कि भाई हमारी टीम के वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, हमारी फिल्म को वो सूट करता हो आपका काम, तो डेफिनेटली वी वेलकम न्यू पीपल। रील अंडरस्कोर आई यू से, इफ देर इज वन और मोर थिंग यू वुड मेक दी फिल्म इंडस्ट्री बेटर, वॉट वुड इट बी? आई होप मैंने क्वेश्चन ठीक पढ़ा है। हाँ, तो मुझे समझ में आया कि ऐसी कोई चीज़ जो मैं करूँ जिससे फिल्म इंडस्ट्री बेटर हो सके या चाहूँ, आई थिंक वो मैं कहूँगा, एक तो कमिटमेंट फैक्टर लोगों में होना चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कमिटमेंट फैक्टर ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ टीम, ये नहीं कि भाई हर जगह बिखर के आप जुड़ते रहे, अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ कि आप डेडिकेटेडली एक ग्रुप ऑफ टीम या एक कंपनीज के साथ, जैसे लोग जॉब्स नॉर्मल जॉब्स में भी करते हैं, जो लोग ज़्यादा जॉब हॉपिंग करते हैं उनका करियर नहीं बन पाता है, तो आप एक डेडिकेटेड कुछ डेडिकेटेड टीम्स के साथ ही काम करो, यू विल ग्रो। सेकेंडली मुझे लगता है कि ऑनेस्टी और कन्विक्शन दो, मतलब इसको कहूँगा मैं, वो ऑनेस्टी में ये है कि यदि आपको किसी के साथ काम करना है या नहीं करना है आप उस मैटर में क्लियर रहो। बहुत लोग, मैं हिंदी और पंजाबी में बोलूँ कि गोलियाँ देते हैं, कि हाँ हाँ करेंगे, हाँ हाँ देखेंगे, हाँ हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना है। आप भी ऐसा ना करें और जो आपके साथ ऐसा करें उसके साथ भी आप रिफ्रेन करें काम करने से, आपको और अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि लोगों में थोड़ा ऑनेस्टी ज़्यादा रहे। अगला क्वेश्चन आया है यशन अंडरस्कोर खन्ना अंडरस्कोर ऑफिशियल से, हाउ अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भाई? यशन, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं। वेल एज इंडिया हेड फॉर सिकलेंस, 16 अगस्त को जॉइनिंग हैंड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, वो सिकलेंस के आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, उस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेकेंडली 23 अगस्त को एक सिकलेंस वर्चुअल कॉन्सर्ट है जिससे इंडिया से दो परफॉर्मर्स की एंट्रीज हैं विच वी हैव फिल्म, तो आपको वो 23 अगस्त को मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर एक वर्चुअल फिल्म फेस्टिवल है, उसकी प्रोग्रामिंग है विच वी आर वर्किंग ऑन। एक टॉक शो पे हम काम कर रहे हैं, एक फिल्म सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, और मेरा इंटरेस्ट ह्यूमन स्टोरीज़ में है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ईमेल में आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट में अच्छा लगा तो हम डेफिनेटली उस स्टोरी को परस्यू करेंगे। आई होप अगले आने वाले 1-2 महीने के लिए इतने प्रोजेक्ट्स सफिशेंट होने चाहिए, और दर्शकों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करें, हमारे इन प्रोग्राम्स को देखें और नए लोग आके हमारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ें। अगला क्वेश्चन है DM मनिंदर से, व्हाट अबाउट कास्टिंग काउच फॉर फ्रेशर? कास्टिंग काउच फ्रेशर मतलब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मैं इसमें आंसर करूँ तो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मैं डिनाई भी नहीं करूँगा कि नहीं होती है, तो मैं जो भी फ्रेशर्स हैं, जो लोग नए अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं फिल्म्स में,
मैं उन्हें कहूँगा कि आप जब भी अपने प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में मिलते हैं, आपको उनके अप्रोच से पता लग जाएगा कि क्या वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या वो एक्चुअली में आपको प्रमोट करने में या आपको हायर करने में एज एन एक्टर इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपकी कॉल है, आपने कितना होने देना है ये देखिए आपके हाथ में है। अगला आदमी अगर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है और आप हो रहे हैं तो फिर आप उसको कास्टिंग काउच नहीं बोलेंगे, आपकी भी शायद ज़रूरत होगी कि आप अलाउ करते हैं उन्हें एक्सप्लॉयटेशन। तो आप अलाउ ना करें तो आपके साथ नहीं होगी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। कुछ ज़्यादा सीवियर हो जाए तो यू कैन गो एड एंड लॉज अ कंप्लेंट। प्लीज़ गो एंड एंड डू दैट। थोड़ा हटके घबरू, देखा ये हटके सवाल पूछेगा मुझे लग रहा है। हेलो सर, फ्रॉम शॉर्ट मूवीज टू डॉक्यूमेंट्रीज, फ्रॉम टॉक शोज टू ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, वी हैव सीन यू डू ऑल विद मच ग्रेस, बट वॉट आउट ऑफ दीज यू इंजॉय डूइंग द मोस्ट? मुझे आराम करना बहुत पसंद है। घोड़े बुला लो। ये काम सारे बहुत भगाने वाले हैं, बट आई थिंक मुझे सारे बहुत पसंद है इसलिए मैं सब करने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मैं कोई भी एक जॉनर को कंटिन्यूसली बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि मुझे बैक टू बैक डॉक्यूमेंट्रीज करना नहीं पसंद। मैं कुछ करने के बाद एक अलग टाइप के प्रोजेक्ट से ब्रेक लेना पसंद करता हूँ और फिर उस दौरान मैं कोई दूसरा टाइप का प्रोजेक्ट करना पसंद करता हूँ। और उसमें भी मैं चाहता हूँ कि कुछ जॉनर वगैरह डिफरेंट मिले तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है उसमें काम करने में। एक्चुअली हम हर प्रोजेक्ट में इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो जब वो रिलीज़ होता है, जब वो चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए किसी एक को फेवरेट कहना बहुत मुश्किल सवाल है ये चूज़ करना, मतलब कि क्या फेवरेट है। फिर भी मैं कहूँगा कि आई थिंक जो कोई भी लास्ट फिल्म हमने की होगी वो मेरी फेवरेट रहेगी, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल नए सिरे से किए। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्री, कौन सा शो, कौन कौन सा किस किस ऑर्डर में ज़्यादा पसंद आया। मैं वेट करूँगा इस कमेंट पर। सो ये एक 999 स्कीम है जो आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इस स्कीम में अगर आप एक अपकमिंग वीडियो लॉगर हैं या आप पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी वीडियो सेल्फ रिकॉर्ड करके भेजना चाह रहे हैं और आपके पास हाई ग्रेड इक्विपमेंट नहीं है, तो ये खासकर स्कीम आपके लिए है अगर आप हैवी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसका नाम है 999 स्कीम, जिसमें आपको एक हाई डेफिनेशन कैमरा, एक माइक और एक ट्राईपॉड एक दिन के लिए आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आप अपने घर पे उसे सेल्फ रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका काम वर्क करता है तो आप अपना इक्विपमेंट और खरीद लीजिए, बट जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, कि बगैर ज़्यादा इन्वेस्ट किए आप अपने आप को ट्राई दे सकते हैं कि आप वीडियो लॉगिंग में या सेल्फ रिकॉर्डिंग में कितना आगे जाना चाहते हैं। कट दोबारा लेंगे दोबारा। फलाना ढिमकाना से ये आईडी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर, रोलिंग फ्रेम के ऑफिस जाकर ऑडिशन देना पड़ेगा कि घर वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं? ये ऑडिशन जब भी नेक्स्ट होंगे उसमें मेंशन होगा कि ये आपको ऑडिशन या लोकेशन पे आके देने हैं या आप घर से सेल्फ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इट डिपेंड्स, हम दोनों वे से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप डिटेल्स में पढ़ें तो उसमें देख लें कि किस तरीके से आपसे मांगी गई हैं। अगर कोई एक्सट्रीम केस है कि मान लो ड्यू टू सम रीज़न आप नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो इन दैट केस मोस्ट डेफिनेटली आपसे एक रिकॉर्ड करके वीडियो ही मंगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन इन्होंने एक और पूछा है। सर, ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने डिटेल्स एंड कुछ पिक्स सेंड कर दूं, देन आप ऑडिशन लो? जब ऑडिशन की कॉल आएगी या कास्टिंग नहीं होगी फिल्मों की, आप तभी भेजें तो बेहतर है। एक और क्वेश्चन है जो आया है रील अंडरस्कोर आयुष से। आई थिंक एवरी डायरेक्टर और फिल्म मेकर हैव हिज हर ओन वन फेवरेट जॉनर और इंटरेस्ट टू वर्क ऑन सम पर्टिकुलर स्टोरीज। In your upcoming projects, what particular genre or type of stories you want to shoot a film on? देखो, पर्सनली मेरे को क्राइम ड्रामा बहुत पसंद है। मुझे ड्रामा पहले लेवल पे पसंद है, फिर मुझे क्राइम पसंद है और उसके बाद कॉमेडी। तो शायद मैं चाहूँ कि पहली फिल्म कोई मेरी क्राइम ड्रामा हो, जिसपे हम काम भी कर रहे हैं, तो आई होप वो पहले आ जाए, वरना इन तो कॉमेडी आ जाए। या तो हम लोगों को हंसाएं या हम लोगों को ऑन दी एज रखें। ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आई थिंक ये बहुत लोग जानना चाहते होंगे। ओके, परम कालरा से, हाउ कैन आई मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग मनी इन फिल्म्स? देखो, ये एक प्रोड्यूसर का जॉब है एंड डेफिनेटली बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ यू ग्रो रिच एंड हाउ यू मेक मनी। पहले तो कन्वेंशनल और असली जो वॉल्यूमिनस प्रॉफिट है उसके बारे में बात करूँगा। दैट इज़ बाय
प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, और जब वो फिल्म थिएटर में जाती है तो जो टिकट विंडो की कलेक्शन है वो आपका बिजनेस है। तो अगर कोई फिल्म 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, रीजनल फिल्म 30 करोड़, 50 करोड़ का बिजनेस करती है तो वो प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर्स के होते हैं। प्रोड्यूसर में भी वो जो इन्वेस्टर प्रोड्यूसर हो, देयर इज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, देयर इज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो बहुत सारे इसकी भी बाइफर्केशन है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग प्रोड्यूसर हैं और जितना आपका शेयर है उतना आपका प्रॉफिट उसमें से निकलता है। सो दैट इज हाउ प्रोड्यूसर्स मेक मनी एंड दैट इज हाउ बिग प्रोडक्शन हाउसेज हैव एक्चुअली सेट अप बिग विंग्स, बिग डिस्ट्रीब्यूशंस, बिकॉज दे हैव अर्न मनी थ्रू हार्ड वेज, थ्रू द टिकट विंडो। एंड देन देर आर सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, परपेचुअल राइट्स, म्यूजिक राइट्स, विच यू कैन सेल एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ ऑन। दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ योर ब्रांड कि आपकी वो डील कितने में स्ट्राइक होती है। सेकेंडली, अगर आप डिजिटल में बात कर रहे हैं तो अगर आप फिल्म बनाते हैं, सो OTT इज अ वेरी गुड टाइम राइट नाउ, एंड इफ इज अ बिग क्लॉज, सो वो इफ बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी डायरेक्टर्स कौन है, आपकी स्टार कास्ट क्या है, और आपकी फिल्म से प्लेटफॉर्म को कितना फायदा है। सो एवरी प्लेटफॉर्म विल एम अ रीच, एंड इफ यू आर एबल टू बिल्ड दैट थ्रू योर फिल्म, थ्रू योर नेटवर्क, तो डेफिनेटली दे विल बाय योर फिल्म। सो वंस दे बाय योर फिल्म एंड दैट इज हाउ यू मेक प्रॉफिट्स। तीसरा है, जब आप डिजिटल या आप YouTube वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए तो सर आपको कंसिस्टेंटली बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी ताकि आपकी वीडियोस मोनेटाइज हो सकें डिजिटल एड्स के जरिए। सो दीज आर द क्लियर वेज यू कैन मेक मनी, एंड रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की। एक फिल्म बनाओगे प्रॉफिट नहीं होगा, 5-10 YouTube वीडियोस बनाओगे प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली, अगर आप किसी की भी जर्नी ट्रैक करें, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की जर्नी है, और जिनको आप आज सक्सेसफुल देख रहे हैं वो कल नहीं शुरू हुए, वो उन्हें बहुत टाइम लगा है। बिकॉज ओवर द टाइम यू कैन बिल्ड व्यूज बट यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ रेपुटेशन, एंड रेपुटेशन ऑन अ लेटर स्टेज कैशेस इनटू व्यूज एंड मनी बोथ। अगला क्वेश्चन आया है भास्कर देसाई का। Right, so this question comes from our team and I encourage my team also to ask questions. अब जाके थोड़ी चीजें, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान हुई, लेकिन आसान होने में थोड़ी सी शुरू हुई। How did you build a character like Kamal in Zuban that connects with the audience so easily? Right, so I hope आप सब लोगों ने Zuban देखी है फिल्म, and that was the first film that started under the banner of Pinaka Media Works. And 2017 that made it to 16 film festivals. And the award for best actor, best director, and it did the world round. See, इसका आंसर मैं सरल शब्दों में ये दूंगा कि मुझे रियल लाइफ रियलिज्म में आई फील फॉर रियलिज्म। आई फील इफ द कैरेक्टर्स आर वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो कि आम आदमी से ही निकल के आए हैं, तो आम आदमी का लाजमी है उनके साथ जुड़ना दिल का। क्योंकि Zuban में जब कमल का कैरेक्टर कंसीव किया गया था तो उसमें वो बोलना बहुत कुछ चाहता था पर बोल नहीं पाता था, और रियलिटी में आदमी बोलते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इंसान बोलता बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ पे आप देखो लोग कमेंट करते हैं लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं कर पाते, और वो इनएबिलिटी जब उन्हें सेम वे में स्क्रीन पे दिखती है तो वहाँ उन्होंने उसको कनेक्ट कर पाए। आई थिंक दैट वर्क फॉर अस, रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स being real themselves in understanding the character, and the best thing about is ki choti choti cheezon pe focus kiya gaya that made it look so natural in the film. Iske sath humne apne acche sawalon ke silsile ko samapt karte hue end mein main itna kahunga ki agar aapke episode 3 ke liye aur sawal hain to aap niche comment box mein un sawalon ko zarur likhein taki hamari team un questions ko pick kare, aur yadi आपके एक से ज़्यादा सवाल हैं तो आप वो भी लिखें, एक बार लिख के ना रुकें, और आप मुझे ये भी बताएं जाते जाते कि आप अगले प्रोग्राम में क्या देखना चाहेंगे, कुछ और क्रिएटिव, कुछ नए चीज़ें, कोई नई लोकेशन या कोई नई बातें, या आपको लगता है कि किसी नए चीज़ के ऊपर हमारी कोई टॉक होनी चाहिए। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो आज का ये एपिसोड बस यहीं तक दोस्तों, मैं हूँ जस्वी शर्मा और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। साइनिंग ऑफ। ओ क्या है बात सर, हो गया डन। पैक अप डन 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 डन। इसे कैमरा निकाल दिया सर, बंद करो।
ये हालत है सबकी। पैकअप बोलना मेरा मेरी लाइन है, पैकअप बोलना सर। मेरा तो क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुए थे अब तक।